देवी और सज्जनों, इस ऐतिहासिक समारोह के शुभारंभ की प्रतीक्षा करते हुए आपको नामित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। उनका परिवार सुविधा संपन्न नहीं था, लेकिन मूल्यों, आदर्शों और पारिवारिक प्रेम से भरपूर था। आरंभिक जीवन के दौरान उनके संघर्षों ने न केवल उन्हें परिश्रम और अनुशासन के महत्व से परिचित करवाया, बल्कि जन सामान्य की तकलीफों और दुख दर्द को समझने की क्षमता भी प्रदान की। सामान्य लोगों के लिए इस हमदर्दी की वजह से वे छोटी उम्र से ही जनता और राष्ट्र की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए। वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा आरंभ की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय योगदान देते रहे। 2001 में श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री चुने जाने का कीर्तिमान स्थापित किया। 26 मई 2014 की शाम राष्ट्रपति भवन के इसी फोरकोर्ट में इतिहास रचा गया, जब 3 दशक बाद पहली बार एक ही दल के लिए भारत की जनता का स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। मई 2014 में पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के समग्र और समावेशी विकास को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा करने का अंत्योदय का सिद्धांत उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। भारत के लोग श्री नरेंद्र मोदी में एक जन नायक को देखते हैं, गतिशील, निर्णायक और विकास के लिए प्रतिबद्ध ऐसा राजनेता जो करोड़ों देशवासियों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता, उनकी सर्वसमावेशी दृष्टि और गरीब और वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों ने श्री नरेंद्र मोदी को विश्व पटल पर एक लोकप्रिय और सम्मानित शख्सियत के रूप में स्थापित किया। राजनीति के अलावा श्री नरेंद्र मोदी अध्ययन और लेखन में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें काव्य संग्रह भी शामिल हैं। व्यस्त दिनचर्या के बीच अपने शरीर और मन को केंद्रित रखने तथा शांत मनस्थिति की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए वे योगाभ्यास से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ आज श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 21वीं सदी के नए भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं।